सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। और अभी सुबह के 8 बज रहे, अभी मैं बिहार शरीफ में हूँ और अभी निकल रहा हूँ राजगीर के लिए। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई कोई पहाड़ी एरिया में निकलो, तो फाइनली हमारे साइड पहाड़ी एरिया राजगीर ही है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं राजगीर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अभी बैग वैग सारा पैक करना है। फाइनली अभी आ गए हैं चाचा के रूम पर। हमारे साथ दादी भी हमारे साथ बोले थे ना आप लोगों के, दादी कल आएगी हमारे साथ, चलेगी राजगीर। दादी दादी के बोल रहे हैं राजगीर जाने के लिए, दादी राजगीर नहीं चल रही, तो हम और राजा चल रहे हैं दोनों मिलकर। उस वाले रूट पर आएगा ना ट्रेन, चलो पटे। तो अभी फिलहाल बिहार शरीफ स्टेशन पर आए हुए हैं, ऐसा कुछ है बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का नज़ारा। अभी हमारा जो ट्रेन है वो आने में करीब 10 मिनट डिले है। हमारे साथ 3-4 लोग और जा रहे हैं, हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कोई हिल स्टेशन चले, बहुत सारा चीज़ है राजगीर में कवर करने को, तो आज तो निकले हैं। हाँ, एक दो दिन रुकने का प्लान है वहाँ पे। राजगीर हम लोग उतर चुके हैं, पहाड़ का नजारा भी देख सकते हैं इधर। अभी फिलहाल स्टेशन से बाहर निकल गया यार, और गाड़ी भी नहीं मिल रहा इधर से, जो भी गाड़ी आ रहा है सब भर भर के आ रहा है। अब डिसाइड करें चलना है शांति स्तूप, चलिएगा शांति स्तूप सर। राजगीर आने के बाद मुझे एक पुरानी यादें वापस आती है, पता है क्या? टमटम का ये चीज, क्योंकि ये चीज़ अब हमारे गाँव साइड नहीं चलता है और ख़ास करके राजगीर में ही चलता है। तो देखते हैं फिर से एक्सपीरियंस लेने का टमटम का कुछ पहाड़ी नज़ारा। अभी इसको नजदीक से जाकर दिखाएंगे आप लोगों को। पहाड़ों की बात ही अलग होता है, ये क्या कह सकते हैं ना कि अगर आप ट्रेवलर व्लॉगर रहते हैं एक चीज होता है कि आपका नजरिया बदल जाएगा तो देखने का। बस कीजिए, हमें पैदल ही सही रहेगा। ये राजगीर का जंगल रेस्टोरेंट, इधर ये ब्रह्म कुंड बोलता है, इधर ये कुंड है ये देख सकते हैं, एंड इधर से जो हम लोग आए हैं बस स्टैंड के साथ से, हाँ इसमें घाटा नहीं फायदा है, इधर आगे हम बैठेंगे। और चलिए, जो चीज़ लुप्त हो रहा है टमटम, उस पर आज सवारी करते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और टमटम का सवारी करके कैसा फील हो रहा है? बहुत दिन के बाद ना, बाकी निकल रहे हैं शांति स्तूप के साथ। माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर मिस कर रहे हैं, पता है क्या? खास अपने फैमिली को भी ले आते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा और मज़ा आता है। बोतल एक दे दीजिए। शांति स्तूप के पास पहुँच चुके हैं और मास्क हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। आज तो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। एक चीज़ मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग राजगीर आते हैं तो 1 जनवरी को कभी मत आइएगा, आप लोग अच्छा एक्सपीरियंस नहीं ले पाइएगा। यहाँ पर जो है एक नया रोप वे स्टार्ट हुआ, क्या नाम है? राजू पथ कैबिन ऐसी कुछ करके नाम है। तो अभी फिलहाल बंद है तो सोच रहे छोटे वाले रोप वे चले गए। पिछली बार आए थे तो उधर से लाइन लगा हुआ था, वहाँ से ऐसे 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 करके अंदर गए थे, आज यहीं से लाइन लगा हुआ और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। उनको एक्चुअली ट्राइपॉड में माउंट करने के लिए रबड़ खोज रहे हैं, क्योंकि जैसे कि है ना ये ढीला हल्का है, अगर लिफ्ट चढ़ते वक्त अगर ढीला वगैरह खुल गया तो भाई रिक्स लेने नहीं चाहिए, इसलिए रबड़ ढूंढ लेकिन रबड़ मिली नहीं। नॉर्मल रबड़ नहीं मिलता, ये रबड़ छोटी लेना पड़ा बाल में बांधने वाले के लिए। कोई नहीं, सही काम चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस भीड़ के बीच में हम लोग भी खड़े हैं रोपवे पे चढ़ने के लिए। इतना गोल गुलैया बनाया हुआ है ना, मान ले। तो फिलहाल नज़ारा बहुत ज़्यादा शानदार है और हम अभी तो बैठे हैं लिफ्ट में, और इधर जो आप लोगों को दिख रहा है ये बड़ा वाला है एंड अभी चालू नहीं है, पता नहीं कब चालू होगा। अभी फिलहाल इसी का मज़ा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नज़ारा है। ये देखिए ये जो खाई है ना, यहाँ पर डर लगता है सबसे ज़्यादा। हेलो भैया। हेलो, मजा आ रहा है भैया? ऊपर ऊपर से मजा आया ना पूरा? ये देखिए नीचे खाई है, काफी गहरा है एंड काफी डर भी लग रहा है ऐसा जगह।
ऐसा एक्सपीरियंस रहा राजा। अच्छा। से जाने वक्त ऊपर कुछ खास भीड़ नहीं है, नॉर्मल ही है देखो ऐसा। ये पानी का बोतल से लेकर आए हैं, उसी को पीकर आराम से ऊपर का जो व्यू है एंजॉय करेंगे। अभी एक्चुअली ना ये जो लिफ्ट वगैरह है ज़्यादा ऊंचा तक भी नहीं आता, मतलब यहाँ से कुछ दूरी नीचे ही छोड़ देता है, वहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ता है। फाइनली जो ऊपर आने का मेन डेस्टिनेशन है वो ये है, इसको बोलता शांति स्तूप। तो इतना जो हैरानी परेशानी हुए है वो इस चीज़ को देखने के लिए। देखिए सामने नहीं आया भाई, क्या ही गजब है यार। और यहाँ से एक चीज और दिखाते, ये तो हमारा मेन पॉइंट हुआ इसमें शांति स्तूप। शांति स्तूप और यहाँ से जो व्यू दिखता है पहाड़ों की वादियाँ, राजा ये सिर्फ राजगीर में ही दिखता है। ये है कॉर्नर, ये है मेन पॉइंट, पैसा वसूल। हाँ इस चीज को देख लिया, पैसा वसूल भाई। देखो यार ये भाई सब से तो बहुत ज्यादा डर लगता है हमें, ये सब चीजों से सावधान रहना ही सही है भाई। लड़ाई 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 हो गई। भाई डर लग रहा है, अरे फर्स्ट टाइम ड्रोन को पकड़ रहे हैं और ये भाई उड़ा रहा है। ओह चल गया, बाकी ऊपर काहे ऊपर जा रहा है, बाकी उससे नजारा देखिए अब। पक्षी को उड़ा कर ये टहल रहा, देखो ना यार वो अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, घूम रहा है ना। हाँ बंदर को देखो क्या यार, अभी वो सर चल रहा है सबसे ऊपर नहीं जा। ये हम जूते रख दिए, जूता को एक जूता को इधर करते हैं, एक जूता को इधर करते हैं ताकि चुराने वाला कंफ्यूज हो जाए। नहीं यार दोनों को रखते, कहीं कहीं हमें ना कन्फ्यूज हो जाए लेने वाले। देखो सर ये एक मंदिर है, इसको क्या मंदिर बोलते हैं जापानी। ये वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, बाकी यहाँ से ऐसा नहीं जा रहा। ड्रोन शॉट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड इसका सारा क्रेडिट हमारे शैलेश भाई को जाता है। मैं एक चीज मिस करते हैं यार, अगर राजगीर में पैराग्लाइडिंग का सुविधा रहता तो जरूर करते हैं, बहुत मजा आता है यहाँ से उड़ो हवा में यार, गजब बोले तो गजब। पटना में होता पैराग्लाइडिंग कहाँ पे? इधर 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 पीछे। फाइनली हम लोग वापस चल रहे हैं, काफी इंजॉय किया, और आप लोग भी जरूर कमेंट में बताइएगा मतलब ड्रोन शॉट कैसा लगा। लास्ट यहाँ का और नीचे भी जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे कीमती वक्त निकलकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता है आपका भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओ भाई बीच में ही लाइन कट गया और ये जो है लिफ्ट रुक गया।
और अभी तो फिलहाल ज्यादा नीचे नहीं है, खास ही है, नॉर्मल ही है। ये सब लोग अटके पड़े हैं। जब मैं चढ़ा था उस वक्त कुछ नहीं था, आप देखिए कितना भीड़ है।